हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आप पहुँचे पार्ट 3 रिडक्शन और राइजेज में, कि शुगर का प्राइस रिडक्शन हो जाए, राइज हो जाए तो क्या करेंगे, प्राइस गिर जाए, बढ़ जाए, गवर्नमेंट घटा दे, बढ़ा दे, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टाइप है। अगर परसेंटेज से सवाल आता है तो इस टाइप से सवाल ज़रूर ज़रूर आएगा। 70% चांस होते हैं कि इस टाइप से सवाल आए। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन मैं इसमें चुनूंगा। देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन चुने गए हैं और खेलेंगे उन क्वेश्चन के साथ बहुत ही इजी तरीके से। सीक्वेंस में मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं, धीरे धीरे लेके जो हाई लेवल है उस तक पहुँचाऊँगा, मेन्स के लेवल तक। चलिए देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाई 20%। कहता है भाई, अगर शुगर का प्राइस, मतलब शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डजेंट चेंज। कहता है कि अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, ठीक है, तो भाई मैं अपनी कंजप्शन कितनी कम कर लूँ कि भाई मेरा खर्चा ना बढ़े। मान लो कि मैं पहले 100 रुपये की चीनी लाता था 2 किलो, ठीक है, अब वो होगी 60 रुपये किलो, तो 120 रुपये किलो होगी, वो 120 रुपये की 2 किलो होगी, ठीक है। तो कहता है कि मैं 100 रुपये की ही खरीदूं भाई, मेरे चेंज ना हो, तो भाई कितने प्रतिशत मुझे कंजप्शन घटाना पड़ जाएगा? तो कुछ घटाना पड़ेगा। 50, जब 100 की 2 किलो आ रही थी, अब 60 रुपये किलो होने के बाद 100 की कम आएगी, तो वही देखना है कि कितना वो कंजप्शन हमें घटाना पड़ेगा। तो सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा आपको, सिंपल जो एक चीज़ बताऊंगा, बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ध्यान रख लेना और उसको दिमाग में बिठा लेना, क्वेश्चन आपका वहीं पे गिर जाएगा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्रीज। देखो, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन कंजप्शन, डिक्रीज इन कंजप्शन, कितना कंजप्शन डिक्रीज हमें करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज हुआ है प्राइस तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा कंजप्शन में। देखो भाई, डिक्रीज राइज कितना हुआ है 20, ठीक है, और राइज होने के बाद प्राइस जो है कितना हो जाएगा 120। बस यही इसमें है, क्वेश्चन ही खत्म है, ठीक है। कितना राइज हुआ है, राइज होने के बाद कितना प्राइस उसका हो गया है, तो 1/6 परसेंटेज निकालना है कि कितना कम करना पड़ेगा, गुना में 100, ठीक है। इसको काटोगे आपको आ जाएगा 16 से ही, ठीक है, यानी कि 50, ये हो जाएगा 6 × 6 4 × 6 = 36, और 4/6 2/3, 16 से 2/3%। बस इतना सा है ये, 1/6 की वैल्यू आपको अगर पता होगी, पहले ही 16 से 2/3 होती है, तो आंसर आपका सीधा निकल जाएगा। यहीं कर दोगे आप 100 100 20 20/120, और इसका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी को समझाने के लिए रिडक्शन कर लेते हैं। भाई पिछला क्वेश्चन तो था इंक्रीज हुआ था प्राइस में, अब कहते हैं कि प्राइस में डिक्रीज हो जाए, तो भाई कितना, कह रहा कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा कि ताकि वो अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाए। तो देखो इसमें 10 का डिक्रीमेंट हुआ, और डिक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगा 90, यही हो जाएगा ना, तो 1/9 × 100 आंसर आपके सामने। अब भाई मैं इसको लेवल को बढ़ा रहा हूँ, अब देखना क्वेश्चन आते कैसे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतने बढ़िया क्वेश्चन है ये, करते हैं इतनी आसानी से। अभी मेरे साथ साथ समझना, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन करूँगा, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। कहते हैं गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया प्राइस शुगर के बाई 10% बाई दिस कंज्यूमर, ठीक है, इस जो चीज़ होने का, कंज्यूमर कैन बाई 6.2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ है 837। द रिड्यूस प्राइस पर kg शुगर इज, तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था अगर रिड्यूस हो रहा है तो इंक्रीज इन कंजप्शन हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगा उसका कंजप्शन, ठीक है, इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है, ये मैंने बताया था कंजप्शन, ठीक है, इंक्रीज इन कंजप्शन। तो इंक्रीज कितना हुआ है, सॉरी डिक्रीज कितना हुआ है 10, और भाई डिक्रीज होने के बाद हो गया 90, इसको मैं काटूंगा तो 1/9। अब इसको समझो, ये कह रहे इंक्रीज इन कंजप्शन, वो कह रहा है कि अगर जब प्राइस 100 रुपये थे तब तो वो
नौ केजी चीज खरीद सकता था मान लो, ठीक है, अब प्राइस हो गए 90, तो वो भाई एक और ज्यादा खरीद सकता है, दैट मीन्स कि वो 10 खरीद सकता है, 10 केजी खरीद सकता है, ठीक है, ये उसका कहने का मतलब है। अब इसको लगाते हैं हम क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कंजप्शन भाई, ओरिजिनल कंजप्शन की वो जो पहले 9 खरीद सकता था, तो ओरिजिनल कंजप्शन 9 केजी हो जाएगी, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि प्राइस गिर गया तो कुछ बढ़ा देगा, तो भाई न्यू कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 10 केजी। ये इसमें समझाने का तरीका यहाँ तक तो पहले कर चुके थे, बस इसमें ये समझना है कि वो प्राइस रिड्यूस हुआ है तो वो 1 केजी ज़्यादा खरीद सकता है, दैट मीन्स कि वो 10 केजी खरीद सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने कितने केजी ज़्यादा खरीदता है, और अब उसने एक्चुअल में कितने केजी खरीदे क्वेश्चन के हिसाब से, 6.2, 6.2 गुना में 10, ये हमारी आ जाएगी न्यू कंजप्शन, ठीक है, 62 केजी, ये आ जाएगी हमारी रिड्यूसिंग होने के बाद कंजप्शन, ठीक है, इतने केजी उसने खरीदी, तो जो हमने पर केजी निकालना है, तो इतने रुपए में कितनी खरीदी जाएगी, तो 837/62, तो भाई ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो हम 1 पे जाएगा, फिर ये आपका बच जाएगा, ये 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाने के बाद इसमें बच जाएगा 21, 2, 17, 3 पे 17, 5 पे जाएगा 13.5 केजी, क्योंकि ये प्राइस है और ये इतने केजी खरीदी है उसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार, मैंने चौथा क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा कि क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ व्हीट अनेबल्स प्रतीक टू बाई 5 केजी मोर व्हीट, ठीक है, फॉर रुपीज 320, द ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट वाज, तो कह रहे हैं कि रिडक्शन हो गया 20% का, ठीक है, तो प्रतीक 5 केजी मोर खरीद सकता था, 5 केजी ज्यादा खरीद सकता था, तो भाई मैंने बताया इंक्रीज इन कंजप्शन, इन कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन, देखो इसमें तो 20% घटा, और घटने के बाद क्या हो गया 80, तो ये हो गया 1/4 हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले वो 4 खरीदता था, इसमें जो निकल गया है, पहले वो 4 खरीदता था 4 केजी, अब वो 5 केजी खरीद पा रहा है, ठीक है, 5 यूनिट खरीद पा रहा है, तो भाई 1 यूनिट आ जाएगी 5 केजी के बराबर, क्योंकि ये दिया हुआ है 1 यूनिट 5 केजी के बराबर। अब देखो इसी में लेते हैं, तो हमारा न्यू कंजप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यू कंजप्शन लेते हैं, तो न्यू कंजप्शन क्या हो जाएगा कि भाई पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीदा है, तो न्यू कंजप्शन 5 हो गया, और 5 गुना में ये 5 यूनिट, तो ये हो गया 25 केजी, क्या वो 25 केजी खरीद सकता है, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल कंजप्शन कितनी होगी, पहले वो 4 खरीदता था और 5 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट 5 के बराबर, तो ये 20 केजी खरीद पाता है, तो ओरिजिनली वो 20 केजी खरीद पा रहा था, और नया कंजप्शन वो है उसका रेट घटने के बाद वो 25 केजी खरीद पा रहा है, तो हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल रेट क्या था, तो ओरिजिनल रेट निकालेंगे, तो ओरिजिनल कंजप्शन ले लेंगे हम, ठीक है, तो रुपीज़ हमें कितने दिए हैं, 320 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 16, ठीक है भाई, ये रेट था उसका ओरिजिनल, ठीक है, फिर वो घट गया होगा कुछ रेट, तो वो 25 केजी खरीद पा रहा है, तो ये थे भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये हमेशा ये एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो बेहतरीन कंटेंट के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, और आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, और बने रहिए SSC एग्जाम गुरुजी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।